हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल दाल तड़का और ज़ीरा राइस। अक्सर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ये दो चीज़ ज़रूर ऑर्डर करते हैं क्योंकि रेस्टोरेंट की काफ़ी डिफरेंट होती है, तो इसी स्टाइल में आज हम घर पर बनाएंगे। तो इसके लिए आपको लेना होगा एक कटोरा तुअर दाल और उसी के हिसाब से आधा कटोरा आपको लेना होगा मूँग दाल। आप चाहो तो पूरा आप तुअर दाल से भी इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसे कुकर में धो के डाल दीजिए और उसमें आप पानी ऐड कर लीजिए। पानी आप उतना ही ऐड कर लीजिए जितना आपको दाल पतला चाहिए, उसी हिसाब से आपको पानी उसमें ऐड कर लेना होगा क्योंकि बाद में जब पानी ऐड करेंगे तो आपका दाल और पानी अलग हो जाता है। उसमें आप हल्दी और नमक डाल के बॉईल कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ बॉईल कर लीजिए। इन केस अगर आपका दाल में थोड़ी गाढ़ी हो गई हो तो आप उसमें बॉयल वाटर ऐड करिए, ठंडा पानी मत मिलाइए क्योंकि अगर आप ठंडा पानी मिलाएंगे तो दाल और पानी अलग हो जाएगा। अब हम इसमें देंगे तड़का। तो तड़का देने के लिए हमने 2 टीस्पून ऑयल लिया है और 1 टीस्पून हमने देसी घी लिया है। उसमें आप ज़ीरा ऐड कर लीजिए, उसके बाद आप लहसुन और हरी मिर्ची ऐड करिए। यहाँ पे आपको टिप्स देना चाहती हूँ, आप कोई भी अगर किसी का भी आप भगा दीजिए तो सबसे पहले आपको छोटी चीज़ जैसे कि दाल तड़का में सबसे छोटी चीज़ ज़ीरा होती है तो हम ज़ीरा उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद आपको उसी हिसाब से आपको सारे मसाले डालना होगा। उसके बाद हम लहसुन और हरी मिर्ची डाल दीजिए, उसके बाद आपको प्याज डाल दीजिए और इसी में आपको खुशबू के मसाले, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ दालचीनी ऐड किया है क्योंकि मेरे घर में दालचीनी का फ्लेवर बहुत ही पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपके घर में तेज़पत्ता, बड़ी इलायची का फ्लेवर पसंद आता हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है। उसके बाद आप इसमें 2 बड़े टमाटर डाल दीजिए। टमाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है दाल में, लेकिन अक्सर टमाटर की बिया से लोगों को स्टोन हो जाता है। लेकिन मैं राय देना चाहती हूँ, जब आप टमाटर यूज़ करिए तो अंदर का जो बिया का हिस्सा है वो आप निकाल दीजिए और सिर्फ ऊपर का स्कल यूज़ करिए, उससे आपको कोई बीमारी नहीं होगी। उसके बाद आप उसमें दाल डाल दीजिए। तो आप देख रहे हैं मेरे मसाले पूरे अच्छी तरीके से रोस्ट हो गए हैं, उसके बाद ही मैंने दाल डाला है। और उसे आप कम से कम 10 से 15 मिनट स्लो आँच पर, धीमी आँच पर पका लीजिए। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ धीमी आंच पे इसे पका लिया है और बॉयल भी आ गया है। बॉयल आने के बाद भी आप इसे 10 मिनट तक पकाएंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, सारे जो मसाले हैं वो दाल में घुल जाते हैं और दाल बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाती है। उसके बाद आप इसमें धनिया, कोथमीर काट के डाल दीजिए, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है दाल में। जब आप कोथमीर किसी भी चीज़ में ऐड करते हैं तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इस तरीके से मेरी दाल रेडी हो गई है। अब हम बनाएंगे ज़ीरा राइस। तो ज़ीरा राइस बनाना बहुत ही सिंपल है। आप जस्ट एक पैन लीजिए, उसमें घी डाल दीजिए, मैं यहाँ सिर्फ देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद आप शाही ज़ीरा या फिर नॉर्मल ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। उसमें आप खुशबू के मसाले जैसे दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, सारे ऑप्शनल है, जितने भी आप डाल सकते हैं। अगर आपको सभी डालना है आप सभी थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं, या फिर आपको 1-2 मसाले ऐड करना है तो 1-2 मसाले डाल के इसे पका लीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए और उसमें अपने हिसाब से नमक ऐड कर लीजिए। और चावल को आप भिगो के रख लीजिए एटलीस्ट 1 घंटा तक। अगर आप चावल को भिगो के रखेंगे तो आपके चावल थोड़े से लंबे और बहुत ही छुट्टेदार तैयार होते हैं। जब आप चावल को भिगोएंगे, अक्सर 1 गिलास चावल में आपको लगता है 3 गिलास पानी, लेकिन अगर आप चावल भिगो के रखेंगे तो आप उसमें 1/2 गिलास कम पानी डालिए। जैसे अगर 1 गिलास चावल आप भिगो के 1 से 2 घंटा रखेंगे तो आप पानी उसमें सिर्फ 2 गिलास ऐड करिए, 3 गिलास नहीं, क्योंकि चावल ऑलरेडी वो पक चुका होता है, पानी के अंदर थोड़ा घुल चुका होता है तो पानी उसके कम लगता है पकने के लिए। तो आप देख रहे हैं मेरा चावल यहाँ पक चुका है और हल्का हल्का पानी चावल में है, तो उसे हटाने के लिए हम चावल को धीमी आंच पे रखेंगे ताकि सारे ही मॉइस्चर चावल के ख़त्म हो जाए और चावल बहुत ही अच्छी तरीके से छुट्टेदार तैयार हो। तो आप देख रहे हैं मेरा यहाँ चावल रेडी हो गया है। अब हम इसमें बारीक कटे हुए कोथमीर ऐड कर लेंगे। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है जब आप ज़ीरा राइस में डालते हैं, और अच्छी तरीके से इसे मिला लीजिए। और यहाँ मेरा ज़ीरा राइस रेडी हो गया है। हम इस तरीके से छू के मसलते हुए चावल को चेक कर सकते हैं कि आपका चावल अच्छी तरीके से गल चुका है कि नहीं। तो यहाँ मेरा चावल गल भी चुका है और खड़े खड़े भी है, छुट्टे छुट्टे भी है, और ये बहुत ही अच्छा है, टेस्टी है। अब हम इसे सर्विंग डिश में ले लेंगे।
तो यहाँ मेरा रेस्टोरेंट स्टाइल जीरा राइस और दाल तड़का बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। आप भी इसे ट्राई करिए और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना कि आपको मेरा जीरा राइस और दाल तड़का कैसा लगा। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।